जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं ICDS बिहार सेविका सहायिका ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी किए गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और जान लीजिए कि कैसे आप इस फॉर्म को भर पाओगे। दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए है। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं। दोस्तों फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये बताने से पहले मैं आपको इस भर्ती की मेन जानकारी बता देता हूं। वो मेन जानकारी ये है कि जो भर्ती निकाली है ये तृतीय चरण की भर्ती है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही आप 19 सितंबर 2019 तक अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो अब जानते हैं कि कैसे आप इसको भरोगे। अभी जो आप वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। अगर आप यहां पर वैकेंसी डिटेल चेक करना चाहते हो वो कर सकते हो। मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्कशन में देने वाला हूं। आपको वीडियो के डिस्कशन में जाना है और इस लिंक को ओपन करके इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन हो जाएगी यहां पर दिया है नया पंजीकरण, तो आपको आना है और इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहां पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको बेसिकली अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले दिया है आवेदित पद, यानी कि किस पद पर आप अप्लाई करना चाहते हो, सेविका या फिर सहायिका, तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके नीचे है आवेदक का नाम, यानी कि आपको यहां पर अपना नाम फिलअप कर देना है। जो भी आपका नाम है वही आपको भरना है। इसके नीचे है पति का नाम, तो यहां पर आपको अपने पति का नाम देना होगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि जो आपकी सेविका और सहायिका की भर्ती होती है इसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहां पर आपको अपने पति का नाम देना होगा और जो मेल कैंडिडेट है वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए यहां पर आपको अपने पति का नाम दे देना है। उसके बाद आपको यहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि दिव्यांग हो तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे आता है लिंग, यानी कि आपका जेंडर क्या है, तो आपको यहां पर महिला ही रहने देना है। जैसा कि आप देख सकते हो कि महिला के अलावा कोई और ऑप्शन यहां पर नहीं है। आपको यहां पर अपनी कैटेगरी यानी कि श्रेणी चूज कर लेनी है। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो आपको यहां से अपना जो आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके नीचे है आपकी ईमेल आईडी। अब आपको यहां पर अपनी वर्किंग ईमेल आईडी डाल देनी है। तो चलिए मैं यहां पर एक वर्किंग ईमेल आईडी डाल देता हूं। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर, यहां पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है। इसके बाद आपको अपना जिला सिलेक्ट कर लेना कि आप किस जिले से अप्लाई कर रहे हो। इसके बाद आपको यहां पर अपना प्रखंड, आपका प्रखंड क्या है वो चुन लेना है। फिर आता है पंचायत, आपको यहां से अपनी पंचायत चुन लेनी है। और इसके बाद आपको अपना वार्ड यहां पर चुन लेना है, जो भी आपका वार्ड है। इसके बाद आपको यहां पर क्या करना होगा, आंगनवाड़ी केंद्र संख्या यहां पर आपको सिलेक्ट करनी होगी। जो भी यहां पर आती है वही आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहां पर आपको एक अपनी मनपसंद का पासवर्ड डाल देना है, जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो। फिर आपको उस पासवर्ड को दोबारा लिख करके यहां पर कन्फर्म कर देना है। और जो नीचे यहां पर सिक्योरिटी कोड दिया है वो आपको यहां पर भर देना है। तो चलिए मैं इसको भर देता हूं। और भरने के बाद आपको यहां पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक कर देना है। पर उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूं कि जितनी भी जानकारी आपने यहां पर भरी है, चाहे वो आपका नाम हो, ईमेल आईडी हो या फिर अन्य जानकारी हो, वो आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, तभी आपको यहां पर पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक करना होगा। तो चलिए यहां पर मैं क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप पंजीकृत करें के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप देखोगे यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर यूजर आईडी ये है एंड पासवर्ड जो आपने यहां पर सिलेक्ट किया होगा वो आपके सामने होगा। आप चाहे तो इस रजिस्ट्रेशन की डिटेल को प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो या फिर आपको आगे बढ़ जाना है, क्लिक हियर टू कंटिन्यू। मैं आपको बता दूं कि जो अभी आप रजिस्ट्रेशन की जानकारी यहां पर देख पा रहे हो, ये सेम जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से आपके मोबाइल नंबर पर भी भेज दी गई होगी, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलिए अब मैं यहां पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहां पर आप फिर से होम पेज के ऊपर आ जाते हो, बट इस बार आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यहां पर डायरेक्टली अपनी यूजर आईडी डाल देनी है, जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया है वो पासवर्ड आपको यहां पर भर देना है। फिर जो नीचे सिक्योरिटी कोड दिया गया है वो सिक्योरिटी कोड यहां पर डाल देना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे वेरीफाई मोबाइल नंबर, तो आपको क्या करना है, जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, आपको यहां पर ओके कर देना है। और जो ओटीपी
ओटीपी आपको प्राप्त हुआ है वो ओटीपी आपको यहाँ पर भर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये ओटीपी भर देता हूँ जो कि मुझे प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपको वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आपको अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जानकारी यहाँ पर भरनी होगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको ये भरनी होगी। जो आपका यहाँ पर फॉर्म दिया गया है ये 5 सेक्शन के अंदर पूरा किया जाएगा। जो आपका पहला सेक्शन है वो आपका रजिस्ट्रेशन का है जो कि हो चुका है। अब आपको दूसरा जो सेक्शन है वो है आवेदन पत्र, इसके सामने है व्यक्तिगत विवरण, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपकी कुछ जानकारी पहले से फिलअप है और कुछ जानकारी अभी आपको यहाँ पर भरनी होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है पति का व्यवसाय, यानी कि आपके पति का व्यवसाय यानी कि बिजनेस क्या है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। कृषि है, व्यवसाय है, नौकरी है, फिर अन्य है। इसके बाद ससुर का नाम, आपकी जो ससुर है उनका नाम आपको क्या है वो नाम आपको यहाँ पर भर देना है। इसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना, आप देखोगे ससुर का व्यवसाय यानी कि जो आपके ससुर जी है उनका बिजनेस क्या है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि कृषि में है या फिर खुद का बिजनेस है या नौकरी है या फिर अन्य है। फिर यहाँ पर आपको और थोड़ा नीचे आना है तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर पहले से फिलअप होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको मतदाता सूची में परिवार का मुखिया, पति, ससुर का नाम, यानी कि जो भी आपकी मतदाता सूची है उसमें जो आपके परिवार का मुखिया है वो कौन है, तो यहाँ पर आपको नाम क्रमांक देना होगा। ऊपर तो आपका नाम देना होगा जो भी आपका मुखिया है परिवार का, और नीचे आपको मतदाता सूची में आवेदिका का क्रमांक यानी कि जो आपकी मतदाता सूची है उसमें जो आपके परिवार का मुखिया है उसका क्रमांक क्या है, वो कौन से नंबर का है, तो यहाँ पर आपको उसका क्रमांक डाल देना है। तो यहाँ पर मैं 5 डाल देता हूँ। इसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी है और साथ ही जो आपका जेंडर है वो सेम रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे कि जो लोग एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को चूज करते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो पीडीएफ के अंदर होना चाहिए और साइज 400 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक रैंडम फाइल यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और ओपन करने के बाद जो आपकी फाइल का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ और जानकारी भरनी होगी, जैसे कि फ़ोन एसटी कोड के साथ। अगर आप यहाँ पर फ़ोन नंबर देना चाहते हो जो कि लैंडलाइन हो तो आपको यहाँ पर वो भर देना है, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। अब है पत्राचार का पता, यानी कि आपको यहाँ पर अपना बेसिकली एड्रेस डालना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड है वो डाल देना है, और यहाँ पर नीचे है स्थायी पता, यानी कि जो ऊपर है ये तो है आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको ये दोनों जो नीचे है सेम एज अबो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो एड्रेस आपने ऊपर भरा है वो नीचे भी आ जाएगा। अब आगे आइए तो आप यहां पर देखोगे क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी है, यानी कि क्या आप जो आपका बिहार राज्य है उसका डोमिसाइल आपके पास है। अगर है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। अगर आप नहीं करोगे तो जो रिजर्वेशन मिलता है बिहार की कैटेगरी को वो नहीं मिलेगा, आप वहाँ पर जनरल कैटेगरी में जोड़े जाओगे। अगर आप हाँ करते हो तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। अगर आप यहां पर हाँ करोगे तो आपको अपलोड रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि अपना डोमिसाइल भी अपलोड करना होगा। तो यहां पर आपको सेम तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहां पर भी आपकी फाइल अवेलेबल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करते ही वो फाइल यहां पर आ जाएगी। वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप विवाहित हो या फिर विधवा हो। इसके नीचे है अपलोड विडो सर्टिफिकेट, अगर आप यहाँ पर विधवा सिलेक्ट करते हो तो जो आपका विधवा का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। पति का वार्षिक आय आपकी क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा, तो मैं यहाँ पर 86,000 फिलअप कर देता हूँ। ये आपको अपने आय प्रमाण पत्र के अनुसार ही यहाँ पर भरनी होगी। आय का स्रोत क्या है, कृषि, व्यवसाय, नौकरी या फिर अन्य। क्या आपको किसी न्यायालय से दंडित किया गया है, अगर किया गया है तो हाँ, नहीं तो आपको नहीं कर देना है। मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पर हाँ करोगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे सिलेक्ट होने के, तो इसलिए आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, यानी कि अगर आपकी बॉडी पर कोई एक निशान है जिससे आपकी पहचान हो सकती है, चाहे वो निशान आपकी बॉडी पर कहीं पर भी हो और किसी भी तरह का हो, जले कटे का या फिर तिल वगैरह, तो आपको यहाँ पर उसके बारे में लिख देना है। महिला एवं बाल विकास संबंधित कार्य का अनुभव अगर आपको है तो आपको यहाँ पर लिख देना है।
क्या आप जन प्रतिनिधि है? अगर है तो आपको हाँ कर देना है, नहीं तो आपको नो कर देना है, यानी कि नहीं कर देना है। क्या आप जन वितरण प्रणाली विक्रेता है? अगर हो तो हाँ, नहीं तो नहीं कर देना है। फिर आपको नीचे आना है और जो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। और दोस्तों जैसे ही आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो आप होम के पेज पर चले जाओगे, या फिर आप गो टू होम पर क्लिक करके भी होम पेज पर जा सकते हो। पर मैं आपको बता दूँ कि सेव पर क्लिक करने से पहले जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, चाहे वो कोई सी भी जानकारी हो, वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, तभी आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। गो टू होम पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको तीसरे सेक्शन की जानकारी भरनी होगी, जो कि है आपकी शैक्षिक योग्यता, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देखोगे मैट्रिक, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास की योग्यता मांगी गई है। तो यहां पर मैट्रिक के सामने आपने किस बोर्ड या फिर किस कॉलेज से अपनी 10वीं पास कंप्लीट की है उसका नाम आपको देना होगा। अगर आपने बिहार बोर्ड से की है तो आपको यहां पर बिहार बोर्ड लिख देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर स्कूल कॉलेज का नाम, आपने किस स्कूल या फिर किस कॉलेज से अपनी 10th पास कंप्लीट की है उसका नाम आपको दे देना है। उत्तीर्ण होने का वर्ष, आपने किस वर्ष के अंदर अपनी 10वीं पास कंप्लीट की थी, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद पूर्ण अंक अतिरिक्त विषय को छोड़कर, यानी कि जो आपके पास अतिरिक्त विषय है उसको छोड़ करके आपके पूर्ण अंक क्या थे, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो मेरे जो यूपी बोर्ड के अंदर होते हैं वो 600 होते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको उसी के अनुसार ये जानकारी भरनी होगी। इसमें से आपको कितने अंक प्राप्त हुए थे जो आपका अतिरिक्त विषय है उसको छोड़ करके, तो यहाँ पर मैं 444 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप अपने नंबर डालोगे उसके बाद आप परसेंटेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी। अब आपको क्या करना होगा, आपको मैट्रिक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, यानी कि जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसकी जो ओरिजिनल फोटोकॉपी है उसको स्कैन कर लेना है और फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। ये भी आपकी PDF फाइल के अंदर होनी चाहिए। आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल अवेलेबल है उसको आपको अपलोड कर लेना है और यहाँ से ओपन कर देना है। फिर आता है मैट्रिक मार्कशीट अपलोड करें। अब यहाँ पर आपको जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट है वो अपलोड कर देनी है। दोस्तों ये उन लोगों के लिए ऑप्शन है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जो आपकी 10वीं होती थी उसमें दो चीज़ होती थी, एक होती थी सनद और दूसरी होती थी आपकी मार्कशीट। तो अब इस बार जो अब 10वीं में 2013 के बाद हुआ है, अब सनद भी उसी में ही होती है और आपकी मार्कशीट भी उसी में होती है। तो अगर आपने 2013 या 2012 के पहले अपनी 10वीं पास की थी जिसमें कि अलग अलग होते हैं दोनों डॉक्यूमेंट, तो आपको ऊपर अपना प्रमाण पत्र अपलोड करना है और नीचे आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। पर अगर आपने 2013 के बाद अपनी 10वीं पास की है तो आपको दोनों जगह एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और फिर से यही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल इज सेव सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर गो टू होम के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप गो टू होम पर क्लिक करोगे तो आप फिर से होम पेज के ऊपर आ जाओगे और अब यहाँ पर आपकी तीसरे सेक्शन की जानकारी भी भरी जा चुकी है। अब आपको जो फोर्थ सेक्शन की जानकारी है फोटो और हस्ताक्षर, इसके ऊपर फोटो का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। और उसके पहले जान लीजिए कि जो आपके फोटो का साइज है वो 50 KB, इमेज का आकार 50 KB से कम होना चाहिए, यानी कि 50 KB से कम होना चाहिए, और जो पिक्सल है वो 200x230 होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज अवेलेबल है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूँ, तो चलिए मैं इस इमेज को देखता हूँ आप सिलेक्ट करके, और फिर यहाँ से ओपन कर देना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लो आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। अपलोड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर यानी कि हस्ताक्षर अपलोड करना होगा, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है उसको सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से ओपन कर देना है। और अब आपको यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सिग्नेचर के ऊपर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आता है क्लिक हेयर टू प्रीव्यू, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है पहले, और जो आपने फॉर्म के अंदर अभी तक जानकारी भरी है साथ ही जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, मैं इसको अभी सेव कर लेता हूँ ICDS बिहार, तो ये मैंने यहाँ पर सेव कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना जो कि आपका डिक्लेरेशन है, और साथ ही जो आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो आप नीचे भी देख सकते हो, जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो आपके सामने आपके फॉर्म का पूरा प्रीव्यू दिया गया है।
अब दोस्तों आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपको लगे कि जानकारी बिल्कुल सही है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी जानकारी चेंज नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई मिस्टेक है तो पहले सुधार ले, उसके बाद फिर आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर यू हैव टू अपलोड डॉक्यूमेंट फाइनली, तो यहाँ पर मैं येस कर देता हूँ। अब जैसे ही आप येस के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है हो चुका है सबमिट, और यहाँ पर आपको सेव करने का प्रिंट फिर से आ चुका है। आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हो। मैं यहाँ से फिर से इसको जो फोटोकॉपी है या फिर पीडीएफ फाइल की फाइल है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ओके कर लेता हूं। अब यहां पर जैसे आप इसको कर लोगे तो आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। दोस्तों आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है और साथ ही जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है वो आपको मिल चुकी है। एप्लीकेशन डेट यहां पर है और चाहे तो आप जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों प्रिंट लेने के बाद आप होम पेज पर आकर के फिर से अपनी जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड डाल करके यहाँ पर अपनी पूरी जानकारी देख सकते हो। यहाँ पर दिया है आपकी एप्लीकेशन आईडी, ऑनलाइन आवेदन, व्यक्तिगत विवरण संपादित करें और आवेदन प्रिंट करें। यहां से आप अपना फिर से अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो ले सकते हो और आप यहां पर देख सकते हो कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पूरी तरीके से सबमिट हो चुका है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि इसमें आपको कोई एप्लीकेशन फीस नहीं देनी होती है किसी भी कैटेगरी को, तो अब फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ये थी आपकी जानकारी ICDS बिहार सेविका सहायिका भर्ती 2019 फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी तृतीय चरण की भर्ती है। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म से संबंधित कोई सवाल पूछना है या फिर कोई सुझाव देना है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो उस पर अमल करो, और अगर आप कोई जानकारी जानना चाहते हो तो उसका मैं आपको रिप्लाई कर सकूं। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।